नोटबंदी को लेकर सरकार का जो निर्णय था, निर्णय तो बहुत अच्छा था, परंतु है ना बिना प्लानिंग के निर्णय था, इसलिए हम बहुत पीछे रह गए। मोदी सरकार द्वारा गत वर्ष जो नोटबंदी का फैसला किया गया था वो सही मायने तो अच्छा था, परंतु उसके बाद भी जो है देश का काला धन पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। भाई फैसला जो था वैसे तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 40% उचित था, 60% गलत था, उसमें उनको समय देना था। नोटबंदी से काला बाजार में तो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि उससे भी ज्यादा काम अभी भी दो नंबर में चल रहा है। मध्यम वर्गी का काला धन सब निकल गया, बड़े लोगों का काला धन डबल हो गया। नहीं, नोटबंदी से काले धन पे लगाम नहीं लगी है, लोगों ने इसका दुरुपयोग करा है। छोटे नोट की जगह ना और बड़े नोट सरकार ने छाप दिए हैं, जिनको रखने में लोगों को और आसानी हो गई है। छोटे नोट अगर प्रचलन में आते तो हो सकता था कि काले धन पे कुछ हद तक जो है अंकुश लगता। पहले वो दूसरे नोट थे 500-1000 के, अभी दूसरे 500 और 2000 के नोट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि वो सुविधा हो गई काला धन ले जाने में, 2000 के नोट में ज्यादा सुविधा हो गई, कहीं भी गड्डी रख लो। नहीं, इसके लिए सरकार को पहले से तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि एंड टाइम पे जब नोटबंदी हुई उससे भाग भाग हो गई। एटीएम का है, जो एटीएम से पेमेंट करते हैं, बैंक नेट बैंकिंग से करते हैं, उसका थोड़ा परसेंटेज जो सर्विस क्लास है जिनके पास है ना सीधा सीधा पेमेंट आता है और उनके पास बैंक में ही है, परंतु जनरल है ना व्यापारी वो कैश इन हैंड देने में विश्वास रखता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, ताकि कभी कभी कुछ समस्याएं भी आती है कि या तो जो है कि लिंक नहीं मिल पाती है या लिंक फेल रहती है। अभी 60% पब्लिक तो समझ ही नहीं पा रही कि क्या पेमेंट है, कहाँ क्या करना है। पहले 1500 के नोट समझ, अब 2000 की एक गड्डी में 2,00,000 रुपए हो जाते हैं, 50 गड्डी में 1,00,000 रुपए हो गए, तो सहजने में बहुत बढ़िया रहा।